श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में मंगल दोष का क्या प्रभाव होता है। अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, वो मंगल होते ही अपने आप को मांगलिक मानते ही अभिशाप जैसा प्रतीत करते हैं कि मेरे कुंडली में मांगलिक दोष है, अब मेरी शादी ब्याह नहीं होगा, मेरे जीवन में अनिष्ट घटनाएं घटेगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मंगल उतना अशुभकारी नहीं है, वह शुभ फल प्रदान करता है। जानते हैं कुंडली में मंगल दोष का क्या प्रभाव है, क्या उसके उपाय है और क्या फल उसका प्राप्त होता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में पहले, चौथे, आठवें और बारहवें भाव यानी चार भावों में मंगल होने से मंगल ग्रह में बैठ जाता है, वो जातक मांगलिक माना जाता है। संपूर्ण मांगलिक सातवें भाव में बैठने से माना जाता है, जबकि आंशिक रूप से पहले, चौथे, आठवें और बारहवें भाव में आंशिक मांगलिक माना जाता है। यदि मांगलिक पुरुष और मांगलिक कन्या का विवाह एक साथ हो तो अनिष्ट नहीं होता है, वहीं इसके विपरीत हो जाए तो जातक को मांगलिक नहीं होता है, उसको बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल सातवें आठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे में विपरीत जातक की मृत्यु के समान कष्ट मिलता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर चौथे या पहले भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे में विपरीत जातक बीमार रहता, संतान की संभावना कम रहती, स्त्री हुई तो ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। अब मंगल इन्हीं स्थानों पर जहां मांगलिक की स्थिति मानी जाती है, किसी एक स्थान पर शनि पड़ा हो तो कहा जाता है कि मंगल का योग कट जाता है, यानी मंगल ग्रह का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। कुछ जगहों पर यह भी पढ़ा गया है कि मांगलिक योग को राहु और सूर्य ग्रह काट देते हैं, लेकिन व्यक्ति अनुभव के आधार पर बोला जाए तो वैवाहिक जीवन में रुकावटें आती रहती है। विवाह देर से होना, सगाई होकर टूट जाना, तलाक होना, कई बार तलाक नहीं होता तो दूर दूर तक रहते हैं, आपसी संबंध नहीं बन पाते हैं, मन मटाव रहता है तथा पारिवारिक जनों के बीच में अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। दांपत्य जीवन खुशहाल नहीं व्यतीत होता है। अब ये भी बात सुनी जाती है कि अगर विवाह 28 के बाद किया जाए तो मंगल दोष लगभग समाप्त हो जाता है, यानी मंगल दोष का प्रभाव कुंडली में 27 वर्ष तक ही रहता है। दूसरा ये भी, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो, आपकी कुंडली में सातवें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या अपने ही घर में को देखता हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है, उसका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। आप जानते हैं कि कैसी परिस्थिति में पति पत्नी का साथ रहते ही शादी होने के बाद भी ऊपर जो हमें बातें बताई है, मंगल ग्रह और शनि ग्रह आमने सामने बैठे हैं, अतः इस कुंडली में मांगलिक की अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती है, मन मटाव रहता है, प्रेम संबंध अवरुद्ध हो जाते हैं, अतः ऐसा जातक अपनी पत्नी से अलग रहता है। बंधन में बंधे हुए फिर भी मन मटाव रहता है, एक दूसरे की भावनाएं नहीं मिल पाती है, लेकिन तलाक नहीं हो सक पाता है क्योंकि यहाँ पर शुक्र ऐसी स्थिति नहीं होने देता। शुक्र बुध के साथ बैठा है जिसको गुरु देख रहा है, अतः पत्नी दोनों जीवित रहते हैं लेकिन साथ उनका अवरुद्ध हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मंगल ग्रह को जहां इतना क्रूर माना जाता है, वहां वह अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति से सौम्य भी बन जाता है और किसी विशेष फल की भी प्राप्ति करता है। जैसे शुक्र और मंगल मिलकर व्यक्ति को चित्रकारी, फोटोग्राफी, सिनेमा आदि कार्यों में योग्यता प्राप्त कराता है, चंद्रमा और मंगल की युति यानी जोड़ी होने से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन जो हो वो संतुष्टमय व्यतीत होता है तथा उसे सफलताएं प्राप्त होती है। बुध और मंगल की युति से जातक जासूस प्रवृत्ति का बनता है और CID जैसे पुलिस आर्मी में भी जाने के इसके योग बनते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकता है। शनि और मंगल के योग से जातक नकल करने में माहिर होता है, यानी डुप्लीकेट चीजों पर बहुत अच्छा व्यापार करता है।
तो ये मंगल संबंधित उपाय थे कुछ। तो मंगल के यही उपाय है कि मंगलवार को आपने विशेषकर हनुमान जी की आराधना करनी है, शनि जी को प्रसन्न करना है तथा मंगल देव को विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करनी है। विवाह संबंधी रुकावटें दूर हो जाएगी और मंगल दोष का प्रभाव भी स्वतः ही कम हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग वर्ण का पाठ करें, जिससे आपका मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और इसके प्रभाव से भी आपको विपरीत फल प्राप्त होगा, यानी आपको अनिष्ट की जगह अभीष्ट फल प्राप्त होगा, जो कभी न समाप्त होने वाला फल है, ऐसा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे।